दोस्तों, जब से फोर्ड इंडिया ने हिंदुस्तानी बाजार से एग्जिट ली है, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा लोगों का दिल टूटा है और जो लोगों की मन में चाह रह गई है वो है फोर्ड इको स्पोर्ट के फैंस का, क्योंकि वो गाड़ी फोर्ड का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थी। काफ़ी लंबे अरसे से फोर्ड उसी पे सर्वाइव कर रही थी और वो गाड़ी बहुत ही बेहतरीन थी। उसने एक नए सेगमेंट को जन्म दिया था, सब 4 मीटर SUVs को, और बहुत अच्छी गाड़ी थी और फोर्ड की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थी और काफ़ी लंबे समय तक उसने राज किया है। इवन जब तक कंपनी गई है तब तक उसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है वो, और काफ़ी इसके फैंस थे इंक्लूडिंग मी, क्योंकि जो उसका स्पेशली जो डीजल इंजन था वो सर एक रॉकेट था। आपको माइलेज के साथ साथ ऑलरेडी फोर्ड की गाड़ी इतनी फन टू ड्राइव होती थी, उसमें वो डीजल इंजन तो सोने पे सुहागा था बॉस। बट अगर हम आज की बात करें, फैक्ट देखें, रियलिटी देखें, तो फोर्ड तो जा चुकी है, उसके साथ ही इको स्पोर्ट भी जा चुकी है। तो जो लोग नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे, जो इको स्पोर्ट के दीवाने थे, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल, बट स्पेशली आई वुड से इन डीजल, उनके लिए अब क्या विकल्प बचता है? क्योंकि जैसा कहते हैं ना, भगवान एक दरवाज़ा अगर बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, तो वो दूसरा खुला दरवाज़ा आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप इको स्पोर्ट के प्लान कर रहे थे, उसके फ़ैन हैं, इको स्पोर्ट लेना चाहते थे, तो आपके लिए जो गाड़ी हिंदुस्तानी मार्केट में है वो हमारी महिंद्रा की XUV300 है। जी हाँ, ये कोई ऐसा वैसा चीता नहीं है सर, इसमें बहुत दमखम है और ये बहुत ही तेज़ भागता है। आपको जो चेहरे पे स्माइल आएगी ना उसे चलाने के बाद, यू विल से कि अमन आपने सही गाड़ी बताई है, आई कैन वाउच फॉर इट। जो इको स्पोर्ट के ड्राइविंग डायनामिक्स थे ना, आपको वही महिंद्रा XUV300 में मिलेंगे, बल्कि कुछ पैरामीटर्स पे उससे बेहतर मिलेंगे। तो उसका सस्पेंशन है, आपको फोर्ड में वो सस्पेंशन नहीं था जो महिंद्रा का सस्पेंशन XUV300 में है। इट्स सो गुड, आप चलाएंगे उसके फ़ैन हो जाएंगे, स्पेशली अगर मैं उसकी डीजल इंजन की बात करूँ तो। और अगर मैं डीजल इंजन की बात कर ही रहा हूँ तो उसका जो W6 वेरिएंट है, अभी जब मैं ये वीडियो आपको अपलोड करके बता रहा हूँ, उस टाइम के आसपास जब तक ये वैलिड रहता है, वेरिएंट W6 वेरिएंट बहुत ही फिनोमिनल वैल्यू फॉर मनी है W6 वेरिएंट उसका, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइजेज में आई थिंक उसमें खाली 10 या 15 हज़ार का फ़र्क है सर। तो अगर आप इको स्पोर्ट के लवर थे, हैं और नई गाड़ी लेना चाहते थे, तो महिंद्रा XUV300 इज़ द कार फॉर यू। गो एंड गेट इट राइट नाउ, स्पेशली अगर आप डीजल में देख रहे हैं तो W6 आपके लिए बहुत ही बेटर वैल्यू फॉर मनी है। पेट्रोल इंजन भी उसका बहुत अच्छा है, महिंद्रा की टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है उसमें और 250 Nm का टॉक मिलता है, टर्बो चार्ज्ड है, डीजल इंजन 1500 cc का है, 300 Nm का उसमें टॉक मिलता है। गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है, बट एक कमी है, बूट स्पेस कम ज़रूर है, उसे आप ज़रूर देख लें, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत ही अच्छी गाड़ी है, 5-star रेटेड गाड़ी है, लुक्स में एकदम लगता है कि आप बैटल टैंक लेके आ गए आर्मी का लड़ने के लिए। तो गाड़ी बहुत अच्छी है चलाने में, कंफर्ट में, बूट स्पेस को छोड़ दें तो बाकी स्पेस में, फीचर्स में, माइलेज भी ठीक ठाक है। और जो पैशनेट है ना लोग, डीजल में माइलेज अच्छा है, पेट्रोल में थोड़ा कम है, जो पैशनेट लोग हैं ना, इन ड्राइवर्स हैं, उनके लिए वो गाड़ी है सर। तो आपको लेके बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये गाड़ी थोड़ी सेल के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, बट लास्ट मंथ इसने बहुत अच्छा पिक किया था, या सोनेट वगैरह को भी इसने बीट किया था। एंड आई कैन गारंटी यू, इस सेगमेंट में इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं, ना टाटा नेक्सॉन, ना ब्रेजा, ना किया सोनेट और वेन्यू, तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो आप जाएं, देखें, टेस्ट ड्राइव लें, चलाएं, इको स्पोर्ट की कमी को ये पूरी तरह से पूरा कर देगी। ये गाड़ी दरअसल एक सैंगयोंग कंपनी की टिबोली गाड़ी थी, उसके प्लेटफॉर्म पर बनी थी, जिसे महिंद्रा ने अपनाया है और उसे कहीं ना कहीं पीछे से चॉप ऑफ कर दिया, इसलिए बूट में आपको कमी मिलती है। बट इसकी गाड़ी की चौड़ाई की बात करें, ये क्रेटा से भी ज़्यादा चौड़ी है, इसका व्हील बेस भी कहीं ना कहीं क्रेटा से भी ज़्यादा बड़ा है। तो आप ज़रूर उस गाड़ी को देख सकते हैं और यू कैन थैंक मी लेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।